नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार और भाजपा संगठन ने कांग्रेस को अपना पिछलग्गू बनने पर मजबूर कर दिया है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह हो फिर या आम लोगों से संवाद, कांग्रेस के पास ना अपना कोई विजन दिख रहा है और ना ही कोई कार्य योजना, बस केवल नाम के लिए काम का दिखावा हो रहा है। अब जैसे ही शिवराज सरकार ने युवाओं के हित में प्रदेश के स्थानीय लोगों को ही सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया, कमलनाथ और कांग्रेस की नींद उड़ गई। इसकी भरपाई के लिए कमलनाथ ने अब युवाओं से संवाद का निर्णय लिया है, लेकिन उनके इस फैसले पर भाजपा ही तो ठीक, कांग्रेस ही भी सवाल उठाने लगे हैं। कमलनाथ 20 अगस्त को युवा संवाद के जरिए प्रदेश के करीब 3 करोड़ युवाओं को संबोधित करने का दावा कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भी उन्होंने प्रदेश को संबोधित किया था। अब प्रदेश के युवाओं के मन की बात करने की तैयारी में है। आज हम सत्ता के फाइनल में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मार्च महीने की बात थी, कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की, सिंधिया ने हाथ छोड़ कमल थामा और कमलनाथ हाथ मलते रह गए। सरकार गई और आरोप लगे कमलनाथ सरकार में संवेदनहीनता थी। वो खुद भी अपने मंत्रियों और विधायकों से बात नहीं करते थे। बागी विधायकों ने खुलासा किया, उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिलता था, मिलते भी थे तो खड़े खड़े ही कह दिया जाता था चलो चलो। अब वही कमलनाथ युवाओं से संवाद की बात कर रहे हैं, जबकि युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संवाद की बात की और जनता से किए वादे याद दिलाए तो कहा गया सड़क पर उतर जाओ। कमलनाथ ने अपनी 15 महीने की सरकार के कार्यकाल में युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना समेत कई योजनाओं की बात की थी, लेकिन युवाओं को नौकरी देने के नाम पर ढोर चराने और बैंड बाजा की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई थी, जो बताती है कि कांग्रेस की युवा सोच क्या है। कमलनाथ जी, कार्यकर्ताओं के दिल तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, वर्चुअल से ज्यादा एक्चुअल लगाव की जरूरत है, हार्ट अटैचमेंट की जरूरत है। आपने कार्यकर्ता को दुत्कार के रखा। जब आप मुख्यमंत्री थे तब मंत्री और विधायकों से मिलने की फुर्सत नहीं थी। आप छिंदवाड़ा टू बल्लभ भवन, बल्लभ भवन टू छिंदवाड़ा, इससे ज़्यादा कि आपकी कोई दुनिया नहीं थी, सीमित संसार होकर के रह गया था। पूरे कार्यकर्ता आपकी बेरुखी का शिकार थे। तो अब ये वर्चुअल संवाद करो, चाहे कोई भी नौटंकी करो, कार्यकर्ता सब जानते हैं कि चुनाव आ रहा है, इसलिए आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झोंकने के लिए ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना वाले नहीं है, क्योंकि आप दिमाग से खेल रहे हो, दिल से व्यवहार नहीं कर रहे हो। सरकार जाने के बाद से कभी ट्विटर प्रोफाइल भगवा करने, घर में राम झांकी सजाने, कृष्ण जी का पूजन करने वाले कमलनाथ दूसरी बार जनता से संवाद कर रहे हैं। बाकी समय वो सरकार को चिट्ठी ही लिखते रहे हैं। अब जब वो अपने गिनती के विधायक मंत्रियों से ही संवाद कायम नहीं कर पाए, एक युवा नेता को संभाल नहीं पाए, तो उनका युवाओं से संवाद कितना रंग लाएगा ये देखने वाली बात होगी। कमलनाथ ने कोई झूठी घोषणा की हो, पहली बात तो वो बहुत कम टीवी में आते हैं, बहुत कम अखबार के पन्ने पे दिखते हैं। उनका कहना है कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ कर गुजरूं, उसके बाद यदि मैं टेलीविज़न में जगह पाऊं या अखबार में जगह पाऊं। इसलिए उनका सिद्धांत है कि कम बोलो, लेकिन जो बोलो वो पूरा होना चाहिए। तो कल नौजवानों से बात करना, इसलिए जो आज मैंने बात की संदर्भ, कल की बात का यही रहेगा। हम तो अपने नौजवानों को सावधान करना चाहते हैं कि सब्ज बाग तुम्हें दिल्ली से लेकर भोपाल तक बहुत दिखाए गए हैं, इन सब्ज बागों के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करना। एक ऐसी सरकार को चुनना जिसका विजन नौजवानों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है और हर मजलूम वर्ग के लिए। प्रदेश में 20 से 29 की उम्र के 27.38% 30 से 39 की उम्र के 25.58% वोटर हैं। 5.34 करोड़ वोटर में से 2.75 करोड़ से ज्यादा वोटर युवा हैं। सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी निर्णायक भूमिका में युवा वोटर ही हैं, और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यूथ वोटर्स पर फोकस कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जी हाँ, बीजेपी कांग्रेस दोनों की यूथ वोटर्स पर नजर है, लेकिन युवा किसके नाम पर मोहर लगाएंगे
इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात तय है कि अगर युवाओं पर दोनों पार्टियों की नज़रें हैं तो युवाओं के मन में भी कुछ होगा कि आखिर वो किसके साथ जाना पसंद करेंगे। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं हनादी टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी। प्रभु जी, जिस प्रकार से जो संवाद की बात हो रही है कि संवादहीनता से सरकार गई, संवाद से साथ सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई संगत से पंगत, और अब इस जगह पर जब कमलनाथ फिर से कह रहे हैं कि युवाओं से संवाद करेंगे, पहला उन्होंने पिछला संवाद किया था सरकार जाने के बाद 14 अगस्त को, और बमुश्किल उन्होंने 5 मिनट बात की थी। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री, 4 दशक का जिसके राजनीति का अनुभव है, केंद्र में लंबे समय मंत्री सांसद, उसके पास प्रदेश की जनता के लिए कहने के लिए केवल 5 ही मिनट, और अब युवाओं के लिए आपको लगता है कुछ ऐसा कुछ वो बोल पाएंगे जिससे कि यह लगे कि कांग्रेस के पास कोई एक विजन था जिसको पूरा करने वाली थी युवाओं के लिए, लेकिन समय के पहले उनकी सरकार चली गई? संवाद है ये, एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो एक ट्रम्प कार्ड चला है कि मध्य प्रदेश में स्थानीय युवा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनको प्रदेश में जो सस्ती नौकरियां होंगी उसमें उनको जगह दी जाएगी। तो कांग्रेस को ये इससे चिंता लग रही है कि आने वाले जो 27 सीटों के उपचुनाव हैं उसमें यूथ कहीं ना कहीं जो है कमलनाथ की तरफ ना जाकर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे। हो सकता है वो शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं उसको उससे वो कोरिलेट करें, क्योंकि हर युवा की ये चाहत होती है उसको नौकरी मिले। प्राइवेट नौकरियों की स्थितियां सबको मालूम है, हर व्यक्ति चाहता है सरकारी नौकरी करे, और सरकारी नौकरी करने के दिशा में यदि ये कदम सरकार उठाने जा रही है तो वाकई में बहुत बड़ा एक परिवर्तनशील क्रांतिकारी कदम इसको कहा जाएगा। तो उसको लेकर कल जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयान आए थे, जिस तरीके से उसको लेकर किंतु परंतु के सवाल लगा रहे थे, तो वही कड़ी में कमलनाथ युवाओं को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे पैकेज में सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि युवाओं से हम ये कहने जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रम में ना आए, जो छलावा कर रही भारतीय जनता पार्टी उसको ना देखें, वो सीधे सीधे आए और कांग्रेस के कमलनाथ जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करें। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है ये उसके तहत ये संवाद हो रहा है। और जैसा आपने कहा कि 14 अगस्त का जो उनने जो संवाद किया था, तो वाकई में वो एक उस मौके पर जब देश 15 अगस्त के जश्न की तैयारी कर रहा था, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगले दिन संवाद होना था, प्रदेश के नाम एक संदेश देना था, कई योजनाओं की घोषणाएं ऐसे मौके पर होती हैं, उस मौके पर उन्होंने जो केवल 5 मिनट का जो अपना संवाद था उसमें जो बातें उनने कहीं उसमें एक उनका रोना था कि मेरी सरकार कैसे गई। बिल्कुल। मेरी सरकार को षड्यंत्र के तहत गिराया गया। तो ये जो आने वाला युवा संवाद है इसमें भी लगभग इसी के आसपास वो फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। हालांकि इसको भी संवाद कहना, मतलब जो 14 तारीख का था, क्योंकि संवाद होता है 2 या 4 लोग बात करें, आपने अपनी बात की और चले गए। देखिए मनोज जी, चूँकि कोरोना काल है इसमें हर चीज़ें जायज है, हर चीज़ नाजायज है। वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, वर्चुअल रैली का क्या मतलब है? कोई रैली का आशय ये है कि भीड़ जुटाई जाए, वर्चुअल रैली का आशय ये है कि आप अपने घर में बैठे मोबाइल खोल लीजिए, टीवी मेरा आशय इसलिए था दर्शकों के हम बताना चाह रहे हैं, जैसे आपसे कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो पीडीएस वाले नए लोग जुड़े हैं जी उनसे संवाद किया था, तो बाकायदा उन्होंने चुनिंदा लोगों से ही बात की, लेकिन उसके माध्यम से बात की। लेकिन 14 तारीख को संवाद आपने नाम दिया लेकिन ये किया नहीं, तो अब 20 तारीख को भी क्या अपनी बात के हट जाएंगे या वाकई युवाओं की सुनेंगे कि वो क्या चाहता है? इसके लिए मैं मतलब इस पर आप देखिए, संवाद जो होता है वो 2 तरफा होता है जी, लेकिन ये जो जो आप शिवराज सिंह चौहान के संवाद की बात कर रहे हैं वो लोगों की बात भी सुन रहे हैं। जो मनरेगा का संवाद उन्होंने किया था, इसके पहले भी उन्होंने जो छात्राओं से संवाद किया था, तो उनकी बात सुनकर अपना वजन रखना कि सरकार क्या करने जा रही है, क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे दूर कर रहे हैं, वो चीज़ें यदि 2 तरफा बातचीत की जाए उसको संवाद कहते हैं। लेकिन यह संवाद जैसा नहीं है, एक भाषण है, एक अपना जो लिखा लिखाया या जो उनने तय लाइन उनकी होगी उस लाइन पर वो बोलेंगे और लोग सुने, तो ये भाषण देना हुई हुआ और ये ऑनलाइन भाषण है। चूंकि वर्चुअल रैलियों का एक प्रयोग शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, कमलनाथ को लग रहा है कि वो कहीं पीछे छूट रहे हैं, तो उसी कड़ी में ये कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ने आज कई सारी बातें कही, और खासतौर से जो एक उन्होंने एक शब्द अभी इस्तेमाल किया कि दिल्ली से लेके भोपाल तक सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, युवा भ्रम में ना पड़े। लेकिन यही सब्ज बाग तो हम कह सकते सिंधिया को दिखाए गए थे, जब एक ट्वीट किया था राहुल गांधी ने कि धैर्य और समय 2 बड़े हथियार हैं, इसके बाद हमने देखा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने लेकिन सिंधिया की झोली खाली रही, लोकसभा का चुनाव हार गए, प्रदेश अध्यक्ष की हसरत पूरी नहीं हुई और राज्यसभा में जाने का सपना भी उनका चकनाचूर कर ही देती अगर कांग्रेस, क्योंकि पहली प्रायोरिटी में दिग्विजय सिंह होना थे।
तो ऐसी स्थिति में एक आप यूथ लीडर को नहीं संभाल पाए जिसकी जनता में कनेक्टिविटी थी, अपील थी, आप अपने उन विधायकों को नहीं संभाल पाए। खासतौर से अगर हम बात करें कि चलिए आप विधायकों से बात नहीं की, लेकिन कैबिनेट की बैठक में आपने भी नज़दीक से कवर किए हैं कि मंत्रिमंडल में आपके जो 6 सहयोगी जो आपसे बगावत करके गए, तो उनके साथ संवाद आपका नहीं था, उनमें से सबके आरोप यही थे कि आप बात नहीं होती थी, फैसलों पर चर्चा नहीं होती थी, और उनको बाद में पता चलता था कि कौन सा मैटर पर बातचीत हो गई या पॉलिसी मैटर बता के उनको चुप कर दिया जाता था। तो इन सारे घटनाक्रम के बीच में आपको लगता है कि युवा इस संवाद से खुश होगा या उसको लगेगा कि वाकई में उसके साथ संवाद होगा, उसकी समस्याओं का निदान होगा? देखिए, समस्या निदान जैसी स्थिति तो अभी कांग्रेस के हाथ में है नहीं। वो जो कह रहे हैं वो तुरंत अमल नहीं कर सकते, जैसे कि स्थिति में शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि वो सरकार में है, यदि कोई बात उनके सामने आती है वो निर्णय ले सकते हैं, जिस तरीके से उनने अभी निर्णय लेकर दिखाया भी है तमाम मामलों में। जैसे मनरेगा की बैठक हुई तो उनने कहा कि भाई फॉसिल पार्क अच्छा बन रहा है, बोले मैं वहाँ देखने आऊँगा। किसी ने कहा कि गौशाला हम अच्छी बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम करो, मैं वहाँ देखने आऊँगा और आपको उससे प्रोत्साहित करूँगा। तो इस तरीके का संवाद यहाँ पर संभावना दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ एक तरफा ही बातचीत होने वाली है। वो एक अपना जो लाइन लेंथ जो लेकर चल रहे होंगे कांग्रेस के उपचुनाव को लेकर, वही चीज़ें लेकर वो सामने आने वाले हैं और वही बातें वो लोगों से करने वाले हैं। इसमें अब युवा कितना आत्मसात करते हैं, जो युवा वर्ग एक फ्लोटिंग वोट बैंक होता है, बिल्कुल कुछ नए मतदाता इस बार के उपचुनाव में जुड़ेंगे, जो वोट डालेंगे पहली बार के वोटर होंगे, कुछ ऐसे वोटर है युवा हैं जो एक बार वोट दे चुके हैं, हो सकता है उनकी क्षेत्रीय विधायक से नाराजगी रही हो, जो पिछले विधायक हैं या जो उम्मीदवार हैं, तो वो बदल सकते हैं अपना मत। तो वैसे लोगों को आकर्षित करने की कोशिश है ये, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये है मनोज जी कि जब यूथ जिस तरफ होता है, जिस पार्टी की तरफ होता है, उस पार्टी की जीत की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है वो युवा वर्ग ही होता है। यदि आप किसी से कोरिलेट नहीं कर रहे हैं तो आप उसके लिए काम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमने मध्य प्रदेश में देखा विधानसभा का, जब लोकसभा के नतीजे आए तो 5-5 लाख 8-8 6-6 लाख वोटों से लोग चुनाव जीते बीजेपी के। हाँ बिल्कुल, यही स्थिति है, क्योंकि जहाँ यूथ रहेगा वहाँ पर जीत की संभावना ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि एक तो वोट उनका एक तरफा पड़ता है जो कि बदलाव लाता है, दूसरा कार्यकर्ता उन्हीं में से निकल कर आते हैं, वो आपके जो चुनावी कार्यकर्ता होते हैं, आपकी पार्टी के आम कार्यकर्ता नहीं होते कि वो साल भर आपके साथ जुड़े रहें, वो उस चुनाव के वक्त पर ही वो लोग कुछ ऐसे युवा होते हैं जो काम करते हैं, लोगों के बीच मैंडेट बनाते हैं, आपस के उनके ग्रुप्स में जो बातचीत होती है, और अब सोशल मीडिया का युग है, लोग व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर अपनी राय प्रकट करते हैं, लोगों को उससे जोड़ते हैं और एक फीडबैक लेते हैं, बना देते हैं जी। तो वो स्थितियां जो हैं उस पर फोकस करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। चलिए, मैं आऊँगा आपके पास, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी हम पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल पहले मध्य प्रदेश में सरकार चलाई है और वो प्रदेश के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और यहाँ की जनता की नब्ज पर भी उनका हाथ है। बीते 15 सालों में उन्होंने जितनी भी लोकप्रिय योजनाएं लागू की हैं, लाडली लक्ष्मी सहित दूसरी, उसका नतीजा ये रहा कि बार बार बीजेपी की सरकार बनती रही। और अब जो उन्होंने ये फैसला लिया है, युवाओं को मध्य प्रदेश में भी मौका मिलेगा, यहाँ के युवाओं को, वो बेशक अगर उसमें कोई कानूनी दाव पेश नहीं होते हैं तो बेशक एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है। और कांग्रेस और बीजेपी में जो फ़र्क है वो यही फ़र्क है, जैसा कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि कांग्रेस को क्या राजनीति करना है ये बीजेपी तय कर रही है, और ये परंपरा बीजेपी ने यहाँ नहीं दिल्ली से ही डाल रखी है, क्योंकि दिल्ली में भी यही होता था, जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी या कोई भी बड़ा नेता कोई एक मुद्दा उछालता है और उसके बाद कांग्रेस उसका जवाब देने में अब पूरा वक्त गुजारती है जब तक वो दूसरा मुद्दा ले आते हैं। और यही स्थिति कमोबेश अभी मध्य प्रदेश में हो रही है कि बीजेपी कोई स्टैंड तय कर रही है, उसके पीछे कांग्रेस या तो उसके जवाब में कोई स्टैंड उठा रही है ले रही है, या फिर उससे मिलता जुलता या उसी को फॉलो कर रही है, जैसा कि अभी 2-3 मौक़ों पर हुआ है। तो अब ये जो युवाओं को नौकरी देने का जो शिवराज ने फैसला लिया, तो उसमें भी कांग्रेस की यही हालत है। तो कांग्रेस अभी तक असमंजस में है अपनी राजनीति को लेकर, और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, तो मुझे लग रहा है शिवराज की जितनी राजनीति को हम लोग समझते हैं, मुझे लग रहा है कि अभी इस तरह के और बड़े फैसले जनता से जुड़े हुए सामने आएंगे और कांग्रेस के पास शायद उनका फिर कोई ना तो जवाब होगा और ना उसके पास इतना वक्त होगा कि वो उसकी भरपाई अपनी राजनीतिक तौर तरीकों से कर सकें। तो ये कांग्रेस को बजाय बीजेपी को फॉलो करने के या बीजेपी के मुद्दों का जवाब देने के एक अपना रोड मैप लेके आना चाहिए,
और उससे राजनीति करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत फायदा होगा, वरना अभी तो वो हर मामले में बीजेपी को फॉलो करती हुई दिख रही है। बिल्कुल, जो हम बात कर रहे हैं फॉलो करने की, लेकिन प्रभु जी एक और चीज़ है कि हमने 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले देखा था कि रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के पास थी, प्रदेश के तूफानी दौरे, युवाओं से संवाद की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी, और कमरा में बैठक करना, प्रदेश अध्यक्ष के नाते रणनीति तैयार करना, टिकट वितरण में किसको क्या मिलना है, उन सब की प्लानिंग कमलनाथ के जिम्मे थी। अब सरकार जाने के बाद, क्योंकि इसका ठीकरा कमलनाथ ने अपरोक्ष रूप से दिग्विजय सिंह पर फोड़ा, दिग्विजय सिंह अभी एक तरह से कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे हैं, और जब यदा कदा वो अपने ट्वीट से अपना एहसास करा रहे हैं। अब जबकि आज ही ये कहा गया कांग्रेस की ओर से कि नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वो पहले से ही हैं, पहले भी बात हुई थी जब लोकसभा चुनाव की हार के बाद कमलनाथ ने कहा था मैंने इस्तीफा दे दिया, मंजूर नहीं हुआ, फिर हुआ था कि युवा चेहरे को आगे लाया जाएगा, या विधानसभा में बात हुई कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में शायद दिग्विजय सिंह गुट के या किसी और गुट के नेता को वहां पर बैठा दिया जाए, तो एक सामंजस्य बनाकर चला जाए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी वही हैं, अब नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं, मुख्यमंत्री भी वही रहे, और अघोषित रूप से वो उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं उपचुनाव तो अगले मुख्यमंत्री भी वही हैं। तो इन सब के बीच एकला चलो के इस राग में, क्योंकि कांग्रेस के जो बाकी धड़े हैं वो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में या कमलनाथ की मदद के लिए आगे आएंगे, या उनको उस तरीके से वो पीछे से सहारा देंगे कि कांग्रेस की स्थितियां बेहतर हो सके उपचुनाव में? देखिए मनोज जी, 15 महीने कांग्रेस सत्ता में रही है और सत्ता की लालसा उसमें बहुत प्रबल है। कांग्रेस ये चाहती है कि जो 27 सीटों के जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें किसी तरह वो जीत, ज़्यादा सीटें जीत हासिल कर जाए और वापस सत्ता में आ जाए, जो सत्ता उनने गंवाई है, क्योंकि 15 साल वो विपक्ष में रहे हैं तो उनको मालूम है कि सत्ता क्या चीज़ होती है, क्या होती है। और 15 महीने में उनने देखा भी, सत्ता का स्वाद भी अच्छे से चख लिया। बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता जुड़े होंगे नए, जिन्हें पिछले दिग्विजय सिंह राज में नहीं होंगे वो प्रमुख पदों पर, उनने भी सत्ता का स्वाद चख लिया, तो उनको सत्ता बहुत अपरिहार्य है। और कमलनाथ का ये दांव या कांग्रेस की ये रणनीति जो कहें कि कमलनाथ को ही चेहरा आगे विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष भी वो बना रहे हैं, तो एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की स्थितियां बनती हैं तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में भी वो मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष भी वही हैं, संगठन की जवाबदारी भी उनके हाथ में, दिग्विजय सिंह वो चेहरा है जिसको सामने रखकर कांग्रेस यदि चलेगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा। बिल्कुल, कांग्रेस दिग्विजय सिंह को पीछे रख के ही रणनीति बना रही है, और दिग्विजय सिंह शांत नहीं बैठे हैं। अभी आप देखिए दिग्विजय सिंह भोपाल में होते हैं तो भी लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, कांग्रेस किसी और नेता की तुलना में सबसे ज़्यादा भीड़ उनके बंगले पर होती है निश्चित तौर पर। वो ग्वालियर चंबल अंचल में भी दौरा कर चुके हैं, वो गुना रहते हैं यदि अपने घर राघोगढ़ रहते हैं तो वहाँ से भी लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो लगातार वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वो एक तरीके से बैकबोन का की तरह काम कर रहे हैं कमलनाथ के लिए, कि कमलनाथ की सरकार बनने की स्थितियाँ बने, उसमें लोगों को जोड़ना, जैसे वो पहले चुनाव के पहले उन्होंने एक नर्मदा परिक्रमा की थी, बिल्कुल पंगत से संगत का एक वो कार्यक्रम लेकर आए थे जिसमें नाराज लोगों को मनाने की जो बात हो थी उसमें वो सामने आई, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। तो वही चीज़ है, पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह है, सामने कमलनाथ को रखा है, उनका जो युवा चेहरा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जो यूथ को आकर्षित करता था वो जरूर उनसे दूर हो गया है, वो एक कमी कांग्रेस के पास है जिसकी भरपाई कांग्रेस को करती हुई अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कमलनाथ जी यदि संवाद कर रहे हैं तो शायद वो खुद को अपना समझ रहे हों कि वो 73 साल की उम्र में भी युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं, तो ये उनका एक नया, यदि ये सफल होते हैं तो एक अपने आप में एक नई चीज़ ये सामने उभर कर सामने आएगी कि 73 साल के युवा के पीछे यूथ पहुंच रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और चीज़ थी, जैसे सज्जन सिंह वर्मा ने भी जो कुछ कहा कि वो जब काम करेंगे तब सामने आएंगे, लेकिन जब दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं, सरकार भी उन्होंने 10 साल चलाई, इकलौते वो ऐसे थे जो लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, और अभी बैकबोन आपने जैसा कि बताया, और वो कभी कभी वो वाकई में सामने भी जब आते हैं तो एक चीज़ को महसूस करा देते हैं कि दिग्विजय सिंह क्या है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, आपने कहा कि कमलनाथ का चेहरा आगे संवाद कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता बेहतर होता है कि इस युवा संवाद के लिए जो चाहे सज्जन सिंह वर्मा ने कही, उन्होंने निशाने पर लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कि इसका ऐलान युवा नेतृत्व से कराते, वो जीतू पटवारी अगर इसका ऐलान कर देते, नकुल नाथ कर देते, या उनके अपने बेटे जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं वो इसका ऐलान करते और वो बताते कि युवाओं हमसे कमलनाथ का संवाद कैसा था, उनके लिए युवाओं के लिए उनके क्या उनकी योजना है। और जिन योजनाओं की बात कर रही थी सरकार कांग्रेस की, उनमें हमने देखा कि जो बेरोजगारी भत्ता था वो नहीं मिला, और भी कई सारी योजना ऐसी थी, बीजेपी ने कई सारी योजनाएं उनकी पलट दी, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं, उनका फोकस या तो सिंधिया पर है या शिवराज पर है, और जो कार्यकाल में उनके फैसले हुए हैं वो पलटते जा रहे हैं, उस पर उनकी चुप्पी एकदम रहस्यमय चुप्पी है।
देखिए कांग्रेस पूरी तरह कमलनाथ पर आश्रित है। कांग्रेस यदि युवा नेतृत्व पर फोकस करेगी तो कांग्रेस में जो क्लेश पिछले समय था 15 महीने की सरकार में सिंधिया वर्सेस कमलनाथ, वो ऐसी क्लेश की स्थिति दोबारा हो सकती, क्योंकि जो यदि यूथ नेता कोई 27 सीटों में ये जो चुनाव हो रहे हैं एक तरीके से मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, पूरा 3 साल आगे जो कौन सरकार में रहेगा इसका निर्धारण यही उपचुनाव करेंगे, तो पूरे की पूरी कोशिश ये है कि कोई नया चेहरा उभरने ना दिया जाए, कमलनाथ को ही आगे रखा जाए, लीड वो करेंगे, और हो सकता है आने वाले समय में जीतू पटवारी या जयवर्धन सिंह वो भी युवाओं से संवाद करें, लेकिन लीड जो है भूमिका में वो कमलनाथ को ही कांग्रेस रखना चाहती है, क्योंकि वही उनका चेहरा है। और कमलनाथ भी कहीं पर ये साबित नहीं करने दे रहे हैं, कहीं इशारा नहीं कर रहे वो मुख्यमंत्री से कम है, वो मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो अभी भी वो मुख्यमंत्री की तरह बर्ताव करना चाहते हैं, ये जरूर है। इस पूरे मामले में सोचने का विषय है कि जिस जो कांग्रेस सत्ता में रहते हुए ये कहती रही कि 70 दिन उन्होंने 100 घोषणाएं पूरी कर दी अपने वचन पत्र की, जो कांग्रेस कर्ज माफ़ी को लेकर दावे करती रही कि कर्ज माफ़ी उन्होंने बहुत अच्छी की है, जैसे युवा स्वाभिमान योजना की बात है या विकास की बात है कि प्रदेश में गौशालाएँ हम खोल रहे हैं और तमाम तरह के विकास कार्य कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे, जैसे राम वनगम पथ की बात भी वो करते रहे हैं कि हम उसका काम कर रहे हैं, श्रीलंका में सीता माता का मंदिर जो भाजपा सरकार की एक अधूरी योजना थी उसको वो पूरा करने की बात करते रहे, लेकिन उस तमाम चीज़ों के बीच में कमलनाथ कहीं पर भी ये कोशिश नहीं करने दे रहे हैं कि कोई और उसको लीड करे, क्योंकि मुख्यमंत्री यदि बनना है तो वो चेहरा वही सामने होगा, शायद हो सकता है आलाकमान की भी यही लाइन हो दिल्ली से कि कमलनाथ को ही मध्य प्रदेश में आगे रखा जाए। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम उन्होंने देखा राजस्थान का, तो उसको भी लगता है कि अगर किसी युवा को आगे लाते हैं और अगर वो बगावत कर देता है, क्योंकि अगर 3 साल अगर उनकी सरकार बनती लगभग 3 साल का समय रहेगा उनके पास, और अगर सरकार नहीं बनती तब भी विपक्ष में 3 साल रहना है, तब कोई ऐसा नेता तो उभर के आया, तो दोनों चीज़ें प्लस माइनस दोनों कांग्रेस का, तब भी नुकसान तो कांग्रेस का ही होता दिख रहा है इसमें। देखिए मनोज जी, यदि सत्ता में कांग्रेस नहीं आती है उपचुनाव के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ इन दोनों भूमिकाओं में एक साथ रहेंगे, वो कोई एक भूमिका छोड़ सकते हैं या हो सकता है दोनों भूमिकाएं छोड़ दें, वो पलायन कर जाएं, यहाँ से राजनीतिक वनवास की तरह की स्थिति होगी कि वो मध्य प्रदेश से ही पलायन कर जाएं, वो स्थितियां भी बन सकती हैं, क्योंकि कमलनाथ को आप देखिए मध्य प्रदेश में 2018 के पहले कमलनाथ मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं थे, कमलनाथ केवल अपने छिंदवाड़ा अंचल में ज़्यादा रहे, ज़्यादा ज़्यादा जबलपुर तक जाते थे, वो महाकौशल कह सकते हैं, महाकौशल के नेता से ज़्यादा की भूमिका उनकी नहीं थी, लेकिन दिग्विजय सिंह हमेशा उनको बड़े भाई की संज्ञा देते थे, और चूंकि कांग्रेस के बड़े छत्रपों में एक गिनती होती है, छत्रपवाद वहाँ पर है, तो छत्रपों की मीटिंग होती थी तो वो आते थे उस नाते, तो वो एक उनकी अपनी भूमिका रही है, वही भूमिका वो निभाते रहे, लेकिन अब चूंकि वो पूरे प्रदेश को लीड कर रहे हैं लेकिन सक्रियता उनमें उतनी नहीं है, हो सकता है इसके दूसरे कारण हो, हो सकता है वो चाहते हो कि उनके सामने लीड वो यहाँ बैठकर करते रहें और बाकी टीम उनकी काम करते रहे, तो इस तरीके की रणनीति स्ट्रेटेजी उनकी हो सकती है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, क्योंकि समय अब इजाज़त नहीं दे रहा, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इस पर फिर और चर्चा करेंगे कभी, लेकिन निश्चित रूप से जो युवा संवाद की जो कार्य योजना है कांग्रेस की वो अच्छी स्कीम है, लेकिन सबसे पहला जवाब तो उन्होंने इसको इसी बात का देना होगा कि युवाओं के लिए उन्होंने अपने 15 महीने के कार्यकाल में क्या किया, उल्टा लोग सवाल पूछेंगे, कांग्रेस के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं कि इन 15 महीनों में जब आप अपने गिनती के 100-125 से भी कम विधायक थे, बहुमत से कम, उनसे आप संवाद नहीं रख पाए, आपके 28 सदस्य जो मंत्रिमंडल था उसमें से आधे सदस्य आपसे नाराज थे और 6 बगावत करके चले गए, आपकी सरकार गिरा दी, उनसे आप संवाद नहीं कर पाए, जो लोड बगावत करके गए लौट कर आए थे उनको आप अपना नहीं बना पाए, और ऐसे में अगर आप 3 करोड़ युवा 3.25 करोड़ युवाओं से संवाद की बात करते हैं तो सवाल फिर भी पूछा जाएगा कि एक युवा नेता आपसे क्यों छटक गया, या आप पार्टी में अब किसी और युवा नेता को क्यों नहीं आगे आने देना चाह रहे हैं, जो आपने कई सारी स्कीम्स बनाई थी युवाओं की उनका क्या असर हुआ, उन पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ, ये सारे सवाल वो सवाल है, तीखे सवाल जिनका जवाब कांग्रेस को आगे पीछे देना ही होगा, लेकिन अगर कोई योजना अच्छी हो केवल एक तरफा संवाद से काम नहीं चलेगा, ज़रूरत है एक ठोस रणनीति बनाई जाए, चाहे फिर वो युवा हो, महिला हो, बच्चों के लिए, और उसके इम्प्लीमेंट के लिए एक रोड मैप बनाया जाए, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि जब आप कोई वादा करते हैं उसको जब पूरा करने जाते हैं तो जब तक आपके पास कोई कॉन्क्रीट उसका सोल्यूशन नहीं होगा, कोई रोड मैप नहीं होगा, तब तक इन वादों का कुछ नहीं होगा, जैसा कि पिक्चर का गाना भी है कि कस्मे वादे प्यार वफा वादे हैं वादों का क्या, तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी, नमस्कार।